लिमरा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं करीम लिमरा टाइम्स से। आज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में 1250 केस कोरोना वायरस के डिटेक्ट हुए हैं। टोटल आज तक का 1250 केस हो गए हैं और आज की तारीख पे 227 केस डिटेक्ट हुए हैं। पॉजिटिव केस मिले हैं 227 केस और 32 की डेथ हो चुकी है। टोटल अभी तक का जो 32 की डेथ हो चुकी है और पूरे दुनिया में वर्ल्ड में 7,85,800 केस मिले हैं। उसमें से 38,000 केस जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड थे उनकी डेथ हो चुकी है। और कोरोना वायरस का जो चार दिन पहले एक बहस छिड़ी थी कि जहां पे बीएमसी ने जो कोरोना वायरस पॉजिटिव की जो डेथ होती है उसको दफनाने से मना कर दिया था, लेकिन वो अमेंडमेंट चेंज हो चुका है। चेंज कल की डेट भी ये चेंज हुआ है और उसके बाद में दफनाने के लिए परमिशन मिल गया है, लेकिन कुछ शर्तें हैं दफनाने के लिए। तो वो शर्तें, पहले ऐसा रूल था कि मतलब उसको जलाया जाना चाहिए, कंपलसरी था, कोई भी रिलीजियस का हो उसको जलाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, जो कुछ हमारे सोशल एक्टिविस्ट लीडर्स, उन्होंने बीएमसी के अधिकारी से बात की और उनको ये मशवरा दिया कि हम दफना सकते हैं, लेकिन उसके कुछ प्रिकॉशंस अगर आपको रखना है आप प्रिकॉशन रख सकते हैं। तो बीएमसी ने एग्री किया, आपको प्रिकॉशन के तहत उन्होंने दफनाने के लिए परमिशन दिया। जैसे कि बॉडी के साथ, डेड बॉडी के साथ अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव होकर डेथ हो जाती है, वो बॉडी के साथ सिर्फ 5 लोग रह सकते हैं और बॉडी को कोई टच नहीं कर सकता। सिर्फ 5 लोग को अलाउ किया है और कोई बॉडी को टच नहीं कर सकता है। और जो सिमेंट्री स्टाफ है, जैसे कब्रिस्तान के जो स्टाफ है, वो भी फुल प्रिकॉशन के साथ में, मतलब हैंड ग्लोव और सैनिटरी और मास्क लेकर ही उसको टच कर सकते हैं, ये अलाउ किया है। और अगर आपको दफनाना भी है तो भी ऐसे कब्रिस्तान में दफनाना होगा जहां पे आजू बाजू में कोई रहवासी ना रहे, मतलब कोई पॉपुलेशन नहीं रहे, बंबई के बाहर या फिर कहीं भी ऐसा जहां पे दूर हो और आजू बाजू में कोई पॉपुलेशन ना हो, क्योंकि उसका इन्फेक्शन फैल जाएगा ये डर है। तो उसके वजह से ऐसे कब्रिस्तान में जाएं जहां पे आजू बाजू में कोई ना हो, वहीं पे दफनाने का अलाउ किया है। प्रवीण परदेसी जो हमारे बीएमसी म्युनिसिपल कमिश्नर हैं और साथ ही साथ में फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के एम्स हॉस्पिटल्स के, उन्होंने मिलकर ये फैसला किया है कि कोरोना वायरस डेथ के बाद में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई फैलने का कोई चांसेस नहीं है, फिर भी हम प्रिकॉशन के हिसाब से ये हमने ये अलाउ किया है, आप उसको जलाओ या फिर आप बरी करो, मतलब दफन करो। 10,000 सैनिटरी बोतल जब्त किए हैं मुंबई पुलिस ने। कांदिवली से 2 लोग को अरेस्ट किया है, ब्लैक मार्केट करने के लिए 1 करोड़ रुपए का माल था ये, और 4 को पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। 2 जन को कांदिवली से अरेस्ट किया, 4 को पुलिस ने अरेस्ट किया है। और ये 10,000 सैनिटरी बॉटल्स थे, इससे अलग अलग कीमतों के बॉटल्स थे, इन्होंने अरेस्ट किया। टोटल जो माल है वो 1 करोड़ रुपए का माल था, मतलब ब्लैक मार्केट करने का प्लान था, उसके वजह से उनको अरेस्ट किया है। 2,000 गारमेंट वर्कर, जो गारमेंट के वर्कर है मोस्ट ऑफ वडाला वगैरह में गारमेंट के जो वर्कर है, इन्होंने तय किया कि हम मुंबई से यूपी चल के चले आएंगे। तो उद्धव साहब ने ये आश्वासन दिया कि किसी को जाने की जरूरत नहीं, हम उनके खाने का बंदोबस्त करेंगे, हम उनके रहने का बंदोबस्त करेंगे, कोई भी आउटस्टेशन वाले को, कोई भी माइग्रेंट्स को, कोई दूसरे स्टेट वालों को जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने फैसला किया कि अगर ट्रेन नहीं चल रहा तो हम चल के ही निकल जाएंगे, 1400 किलोमीटर हम चल के निकल जाएंगे, ऐसा तय किया है। वडाला के एसोसिएशन है जो 2000 लोग गारमेंट का काम करते हैं, जो टेलर वगैरह होते हैं गारमेंट का काम करते हैं, उन लोग ने फैसला किया कि हम चल के यहां से यूपी निकल जाएंगे। महाराष्ट्र के सीएम ने अनाउंस किया है कि 8% तक का इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में 8% का बचत होगा हर पब्लिक का, मतलब कमर्शियल और रेसिडेंस दोनों का भी 8% जो बिल आ रहा है उसमें 8% माइनस होकर आएगा, मतलब 8% का बचत होगा। उद्धव साहब का आज का स्टेटमेंट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा। मैंने पहले भी कहा था, महाराष्ट्र सीएम उद्धव साहब ने अनाउंस किया है कि 45 करोड़ रुपया हम ये आउटस्टेशन में जो रहने वाले हैं, जो बिहारी बंगाली जो यूपी के रहने वाले हैं उन पे खर्च करेंगे, उनको शेल्टर, मतलब उनको रहने की जगह देंगे, उनको खाना पीना देंगे, उनका देखभाल करेंगे, किसी को जाने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद कुछ लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक में 2,000-2,500 रुपया देकर ट्रक में चढ़ जा रहे हैं और यूपी जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे पुलिस पकड़ के उसको अरेस्ट कर रही है, गाड़ी को, गाड़ी के ड्राइवर को, गाड़ी के क्लीनर को, सबको अरेस्ट कर रही है।
ऐसा जाना नहीं है, किसी को मुंबई छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा उद्धव साहब ने बोला है। उसके बावजूद कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं जो पुलिस के हाथ चढ़ जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे नाकाबंदी है, बॉर्डर टू बॉर्डर नाकाबंदी है, तो वहां पे कहीं ना कहीं पकड़ा जाने के बाद में वापिस आना पड़ रहा है। तो बेटर यह है कि आप मुंबई में रहें, क्योंकि आप यहां से वहां जाओगे वहां पे भी प्रॉब्लम है, तो आप यहीं पे रहें, आपके खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है। बीएमसी ने एक टोल फ्री नंबर लिया है जहां पे जो आउटस्टेशन वाले माइग्रेंट्स हैं, जो यूपी बिहार के आउट दूसरे सिटीज के दूसरे स्टेट के लोग जो मुंबई में रहते हैं, उनके लिए टोल फ्री नंबर अनाउंस किया है 1800221292। यहां पे नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इनको खाने का और रहने का बंदोबस्त किया गया है, हर बीएमसी स्कूल में इन लोग के लिए अरेंजमेंट किया गया है। ये नंबर है 1800221292। कोई भी आउटस्टेशन वाले हैं, अगर उनको खाने में परेशानी है, रहने में परेशानी है, जरूर ये नंबर पे कॉल करें, आपकी सहायता जरूर की जाएगी। बीएमसी ने ये अनाउंस किया, टोल फ्री नंबर है। और साथ ही साथ में और एक एडवाइस है कि सबको दूर रहने को कहा गया है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। और एक 10-15 दिन है, तो ये किसी हाल में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। और गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि अभी आगे से लॉकडाउन नहीं होगा, 14 अप्रैल दी लास्ट है, उसके बाद में लॉकडाउन का कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई सिम्टम्स भी नहीं है कि गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि आगे कोई बढ़ाना है। बहुत सारे फेक न्यूज फैल रहे हैं, कुछ फेक न्यूज के हमने सच का खुलासा किया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ फेक न्यूज फैल रहे हैं। आपको कुछ भी राय रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा, या फिर आप चाहते हैं कि इस मूवमेंट में हम जाके यहाँ पे कोई कवरेज दें, ये मजबूर है, ये परेशान है, इनको कवरेज दें, जरूर हमको कॉल करें, हमारे वीडियो के नीचे ये नंबर होगा, हम जरूर उनकी मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं करीम लिमरा टाइम से, शुक्रिया, अल्लाह। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।